ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहा हूं। हाइड्रोकार्बन का मीन्स क्या होता है? वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा, मीन्स वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ओके, दैट इज हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन इज प्रेजेंट। हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इसे सपोज दिस इज कार्बन एंड दिस इज अदर कार्बन एटम एंड इसके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होगा, एक से क्या होगा? ज्यादा बॉन्ड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक से ज्यादा एक ही है, इसमें डबल है, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन हिडन है इन सब मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन क्या हिडन है इसको हम लोग करते चलेंगे क्लियर। अब क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे जी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलेंगे? अल्कीन। क्या बोलेंगे? अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे अल्काइन। क्या बोलेंगे? अल्काइन। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला। अल्केन का होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, अल्किन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। अब ये होता है कि हम लोग तो चलो जान गए कि इसमें कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा जी, ठीक है। अब इतना से काम तो चलेगा नहीं, अब इसके आगे करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब देखो एक होता है रूट नेम, इन सबों में क्या है तुम्हारा डिफरेंस? ए डी इसमें लगा हुआ है, इसमें ई एन ई लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है? वाई एन ई लगा हुआ है जी। अब उसमें क्या है, इसका एक रूट नेम होता है जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से 100 तक होगा। कितना तक होगा? 100 तक, क्लियर। जिस नंबर पे जो लिखा हुआ है उसमें उतना ही कार्बन है। कितना कार्बन है? जितने नंबर पे जो है उसमें उतना कार्बन है। तो मिथ में कितना कार्बन है जी? तो 1 है सर। 2 में कितना है? इथ में कितना है? 2 है। प्रोप में कितना है? 3 है। ब्यूट में कितना है? 4 है, ऑनसो, क्लियर। सपोज ये आपका मिथ है, मिथ प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेन। इथ प्लस एन क्या नाम हो जाएगा? इथेन। प्रोप प्लस एन क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन, क्लियर। इस तरीके से हम लोग 100 तक लिखेंगे। सपोज मिथ, मिथ है ना, मिथ में कितना कार्बन होगा? 1 कार्बन, क्लियर। तो मिथिन कम जो अल्किन वाला है, मिथिन MeThenE, देखो जी मिथिन, मिथिन होता नहीं है, मिथिन होता नहीं है। कार्बन कार्बन के पीछे मल्टीपल बॉन्ड कहां से लाओगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको मिथेन बोलते हैं हम लोग। इथेन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तेरा, लेकिन मिथिन के केस में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा नहीं क्योंकि इसमें सिंगल कार्बन है। अब इथेन का बना सकते हैं हम लोग ETHENE, इथिन। इथिन में कितना कार्बन है जी? 2, क्लियर। इथिन में 2 कार्बन है सर, ठीक है।
अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो ठीक है सर, लिख दिए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो चार बॉन्ड बनाता है। एक रूल है आपका कि कार्बन ऑल्वेज मेक फोर बॉन्ड, ठीक है ना। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? चार। देखो चार बॉन्ड हो गया कार्बन से, 1 2 3 4, क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग आगे लिखेंगे इथिन के, इथ का केस में इथ इसमें डालेंगे, ETH इसमें क्या जोड़ेंगे? तो बाई, यानी इथाइन हो गया। मिथाइन तो इसमें होगा नहीं, मिथाइन होगा क्या? नहीं होगा मिथाइन, तो मिथाइन को ऐसा लिख करके कट मार दो, ये होता नहीं है। इथाइन का फिगर बनाना है, इथाइन में कितना कार्बन है? कार्बन टू कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो चार बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर डाल दो जी, एक इधर डाल दो, कितना बॉन्ड है इससे कार्बन से? तो देखो इस कार्बन से एक इधर हो गया, तीन इधर, कितना हो गया? चार बॉन्ड हो गया, क्लियर। इस तरीके से हम लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन का फिगर हम लोग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। जैसे सर कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इथेन का फिगर आपने बताया नहीं, इथेन में कितना कार्बन है? दो कार्बन है, कितना कार्बन है? दो। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो चार बॉन्ड बनाता है, बना दो जी। क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा दो, जो भी तुम्हारा खाली बॉन्ड है वहां पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4। इथाइन का क्या हो गया? C2H2। अगर आपसे कोई पूछेगा सर ये इथाइन है क्या, इसी को स्पिरुलिन बोलते हैं क्या? बोला हाँ जी बोलते तो है, सर अभी बताया नहीं है। इसका कॉमन नेम है आपका इथाइन का क्या? एसिटिलीन। जैसा आपको पहले वीडियो में दिखाया गया था मोल कांसेप्ट का क्वेश्चन जो था, इसमें क्या आ सकता है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन इथीन, इन इथाइन, इन इथेन, हाउ मेनी कार्बन एटम इन इथेन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इन इथीन, हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन इथाइन। लास्ट ईयर 2 साल पहले इंटर में क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन ये है आपका, इसको मिटा दो, रब कर फिर से, क्लियर। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन, हाउ मेनी, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड। अब इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा।